वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद मुस्कान। तो मैं आज आपको लेके आई हूँ मोजोलैंड के स्नो पार्क में। ये स्नो पार्क मोजोलैंड के वाटर पार्क में ही है और इसकी टिकट्स वगैरह क्या पड़ेंगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लोकेशन भी क्या पड़ेगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन इस जगह पे आपको पूरा स्नो का मजा आने वाला है। ऐसा लगने वाला है कि आप मनाली में हो। तो काफी सारी चीजें इस ब्लॉग में होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखिएगा। तो आइए चलिए पहले लोकेशन और टिकट की बात करते हैं, देन आपको पूरा अंदर का व्यू दिखाते हैं, एक्टिविटीज दिखाते हैं। सो लोकेशन की बात अगर करी जाए तो लोकेशन बिल्कुल आपको करनाल हाईवे मिल जाएगा मेरे पीछे इस साइड पे। तो ये करनाल हाईवे है और यहीं पे आपको मूथल का टोल मिल जाएगा। तो अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे हो तो आपको अपोजिट साइड पड़ेगा मोजोलैंड, आपको यूटर्न लेके आना पड़ेगा। और अगर आप करनाल पानीपत सोनीपत साइड से आ रहे हो तो आपको उसी आपके व्हीकल के डायरेक्शन में ही मिलेगा, तो इजिली आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फोर व्हीलर की पार्किंग है और वहाँ पे आपको टू व्हीलर की पार्किंग मिल जाएगी। आगे चल के जैसे मोजोलैंड है, इसके आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगी टू व्हीलर की पार्किंग और ये फोर व्हीलर की। जो पार्किंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। सो टिकट्स स्नो पार्क की 600 रुपीज़ है, एडवेंचर पार्क वाटर पार्क वो भी है, तो उनकी भी टिकट 600 रुपीज़ ही है। अगर आप दो पार्क का कॉम्बो लेते हो तो आपको 900 टिकट्स पड़ जाएगी, और अगर थ्री पार्क का कॉम्बो लेते हो तो 1200 आपको टिकट्स पड़ जाएगी। और स्नो सेशन की बात करें तो 45 मिनट का स्नो सेशन होता है, जिसमें कि आप 45 मिनट के अंदर स्नो पार्क में रह सकते हो। बाकी टाइमिंग स्क्रीन पर मैंशन है, उसी अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी। सो अब बात करते हैं कि आपको टिकट सस्ती कैसे पड़ सकती है। तो काफ़ी सारी ट्रैवल कंपनीज है जो आपको सस्ते में टिकट्स दे देंगी। तो मैंने आज ही ट्रैवल्स के थ्रू करवाई, जिसकी आपके नंबर स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। तो मुझे उनके थ्रू से 50% डिस्काउंट मुझे ये टिकट्स मिली है। तो ये है स्नो पार्क जिसमें अभी हम जाने वाले हैं, और इसमें आपको स्नो माउंटेन, स्नो स्लाइडिंग, स्नो डांस, स्नो स्लाइड और स्नोफॉल सब मिलने वाली है यहाँ पे। -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वो चीज़ भी हमें देखनी है। और अभी से गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, तो अंदर जाने का बहुत ज़्यादा मुझे वेट है कि अंदर जाके कैसा टेम्परेचर होगा। क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है जो स्नो पार्क में ऐसे किसी में अपना एक्सपीरियंस लेने वाली हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपको भी दिखाएंगे खुद भी इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो जैकेट्स और शूज़ मिल रहे हैं, साइज के हिसाब से अपना साइज बता दो आपको शूज़ मिल जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पैकेज में इंक्लूड रहेंगे। ये तो 2:30 बजे का स्लॉट है हमारा, तो चलिए अंदर चलते हैं और स्नो में खेलते हैं। तो अंदर से ये कुछ इस टाइप का है दिख रहा है आपको जैसे कि, बट अभी बंद पड़ा है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है। और यहीं से मुझे थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी फील हो रही है क्योंकि अंदर सच में टेम्परेचर बहुत कम है। इसलिए मैं दिखा दूँ आपको, रूम मीटर का टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे -16, -99, -98, पता नहीं किस चीज़ का चल रहा है, बट आई थिंक ए सी का टेम्परेचर चल रहा है, जहाँ तक ए सी चल रहा है। देख रहे हो कब मज़ेदार है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं दिख रहा बट अच्छा दिख रहा है। तो चलो खुल गया। ओए होए वो ठंडी लगी सच में बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे कोई बताने वाला है, दिखाते हैं आपको कैसे आते हैं। तो ये यहाँ पे एक आंटी आ रही है, ये दोनों यहाँ पे आप क्लाइंबिंग
tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. So here you get coffee. Yeah. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah. Gotta stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. तो अब बात करते हैं मोजोलैंड स्नो पार्क का एक्सपीरियंस कैसे रहा मेरा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ज़्यादा ह्यूज एरिया में नहीं बनाया स्नो पार्क को, काफ़ी स्मॉल एरिया में बनाया, बट स्टिल अच्छा है। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मुझे 600 रुपये में दोनों टिकटें मिल रही हैं तो क्या बुरा है, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी है। और अगर आप 600 रुपये में भी आ रहे हो वाटर पार्क, 300 रुपये में अपना एड ऑन करवा सकते हो ये वाटर पार्क, सॉरी ये स्नो पार्क। और ये स्नो पार्क काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको एक्टिविटी तो एक दो ही मिलेंगी, बट हाँ अगर आप मनाली शिमला कश्मीर नहीं जा पा रहे तो यहाँ ज़रूर आ सकते हो, बहुत अच्छा। और -10 डिग्री एटमोसफेयर है यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ज़रूर आप आ सकते हो। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी मेरी तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ इसको ढेर सारा शेयर करना। और साथ ही साथ कोई सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट में डाउन कर देना, और Instagram पे मुझे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I know you told your friend you're not okay.